अस्सलाम वालेकुम, मैं ग्रेड वन की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को सबसे पहले रिव्यू कराया नर्दबानी उर्दू में सफ़ा नंबर 26। फेल हमने किया था आखिरी दफ़ा, दायरा बनाया था हमने मेरे फेल का, सूरज निकला पे फेल बनाया, दायरा बनाया नंबर 2 पे, सोलह पे दायरा बनेगा, नंबर 3 फरवारे उड़ गए उर्द पे दायरा बनाएंगे, नंबर 4 मैंने खत लिखा पे दायरा बनेगा, नंबर 5 अली ने घर में पाला पे दायरा बनेगा, नंबर 6 बच्चा रो रहा पे दायरा बनेगा, अकबर ने आइसक्रीम खाई पे दायरा बनेगा, बत्तख तैर रही पर तारा बनेगा। इसके बाद हम आ गए थे सफ़ा नंबर 27। आज हमने किया है यहाँ पर, आप लोगों को अंग्रेज़ी में गिनती लिखी हुई नज़र आ रही होगी, इसके बाद ये उर्दू में गिनती लिखी हुई है और फिर ये तलफ्फुज़ में लिखी हुई है, तस्वीरें बनी हुई हैं, इनको काउंट करेंगे और यहाँ पर देखते जाएंगे कि कौन सा लफ्ज़ या कौन सा नंबर इस तरह से लिखा। अंग्रेज़ी में एक कैसे लिखा, वन एक, और स्पेलिंग तलफ्फुज़ में एक ऐसे लिखते हैं, दो उर्दू में दो ऐसे लिखते हैं और दाल पर दो, तीन उर्दू में तीन ऐसे लिखते हैं, तीन, फोर चार चार, फाइव पाँच पे अलिफ नून चे, सिक्स छे और दो चश्मे छः, सेवन सात सीन अलिफ सात ए सके सात, एट आठ अलिफ मदा ठा सके आठ, नाइन नौ दस दस टेन दस अंदाजी दस। उर्दू में जब हम दस लिखते हैं तो डॉट लगाते हैं, इसमें जीरो बनाते हैं और इसमें डॉट लगाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसको पहचान लिया हुआ तो आगे हम इसकी मैचिंग कर लेंगे। उर्दू हिंसों को दुरुस्त तलफ़ुज़ से मिलाइए, देखिए चार को चार से मिलाएंगे, पाँच को पाँच से मिलाएंगे, एक को एक से मिलाएंगे, तीन को तीन से मिलाएंगे, दो को दो से मिलाएंगे, दस को दस से मिलाएंगे, नौ को नौ से मिलाएंगे, आठ को आठ से मिलाएंगे, छः को छः से मिलाएंगे, सात को सात से मिलाएंगे, ठीक है। इसी तरह सफ़ा नंबर 28 में नीचे देखें आप लोग गिनती मुकम्मल कीजिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ एक चार के बाद आता है पाँच के बाद छः और दो चश्मे हैं, छः सात आठ एक मत आठ आ सके आठ नौ नौ, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर गिनती मुकम्मल कर लेंगे अल्फाज में। फिर सफ़ा नंबर 29 पे मुज़क्कर मोनस, इनको पढ़ लेते हैं हम जल्दी जल्दी अच्छे से। मुज़क्कर एयर नर इसम को और मादा इसम को मोनस कहा जाता है, अबू अम्मी भाई बहन दादा दादी नाना नानी चचा चची ताया ताई लड़का लड़की मामू मामी खालू खाला पप्पा पप्पी नौकर नौकरानी राजा रानी बादशाह लड़का शहजादा शहजादी ऊँट ऊँटनी बैल गाय कबूतर कबूतरी मोर मोरनी शेर शेरनी बिल्ला बिल्ली हिरन हिरनी हाथी हथनी मुर्गा मुर्गे घोड़ा घोड़ी चिड़ा चिड़िया बंदर बंदरिया बकरा बकरी नाक नागिन, ठीक है। इसी के बाद सफ़ा नंबर 30 पे, सफ़ा नंबर 30 पे आप लोगों को मुज़क्कर मोनस जो है वो मैच करना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ दिया है कबूतर कबूतरी कबूतर मोरनी लड़का लड़की अम्मी नाना नानी दादी दादी
फिर है शेर, शेर में शहजादी, शहजादा, चचा, चची, मामी, मामू, रानी, राजा। ठीक है, अब जुमलों में से मुज़क्कर के मौनस लिखकर खाल जवाब ढूंढने फोर कर। आज मेरे दादा, दादा के साथ आएगा दादी, और नाना, नाना के साथ आएगा नानी आए। लड़के और लड़की ने चिड़िया घर की सैर की, अबू अम्मी के साथ बाजार गए, मामू और मुमानी ने सबकी दावत की, हम खालू और खाला के साथ मामू मुमानी के घर गए। ठीक है, ये तमाम काम आप लोगों को नरपानी उर्दू में करना है आज की डेट डालकर। आज की डेट है 2/9/2020, यानी 2 सितंबर 2020। इस तरह से आप डेट डालेंगे, अपना काम मुकम्मल करेंगे। खुशखती में जो सफ़ा आपने कर लिया है उसके आगे वाला सफ़ा आपको करना है। फिर आपको काम समझ में आ गया।